नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदी और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह आप अपना आधार कार्ड और अपना पैन कार्ड लिंक कर सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारतीय नियम के अनुसार 1 जुलाई के बाद आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न तभी भर पाएंगे जब आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक होगा। तो आइए शुरू करते हैं, आपको कैसे करना है ये। इसके लिए आपको सबसे पहले सर्च करना होगा इनकम टैक्स इंडिया। इसको सर्च करने के बाद आपको सबसे पहले एक ई फाइलिंग की लिंक आएगी, आप उस पर भी जा सकते हैं। या फिर आपको उसके नीचे एक और ऑप्शन मिलेगा, इस पर साफ साफ लिखा है लिंक आधार। आप मैं चाहूँगा कि आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा कि अगर आपके पास वैलिड आधार है तो आपका वैलिड आधार जो है वो पैन से लिंक होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाएंगे 1 जुलाई 2017 के बाद। चलिए इसे देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले ये हमसे हमारा पैन का जो डिजिट नंबर है वो पूछ रहा है, सेकंड आधार नंबर, और थर्ड ये हमसे हमारा नाम पूछ रहा है जो कि आधार में है, और चौथा ये पूछ रहा है कि अगर आपके आधार में जो बर्थ डेट है वो सही है तो आप यहाँ पे टिक करें। और ये इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है जो कि है कैप्चा कोड, जो इसमें जो इमेज में जो कोड दिया है आपको लिखना होगा यहाँ पे। अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो आप OTP के द्वारा भी इसका कंफर्मेशन कर सकते हैं। इसमें आपको मोबाइल में एक मैसेज आएगा और वो आपको यहाँ पे डालना होगा, जो भी आपको ज़्यादा सही लगे आप वो करिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। अब मैं अपना सारा डिटेल भर देता हूँ। जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे कि मैंने अपना आधार पैन सब कुछ डाल दिया है, और नीचे दिए गए कैप्चा कोड में जो इमेज थी उसको भी मैंने डाल दिया है। अब हम जो नीचे ग्रीन में जो ऑप्शन है लिंक आधार, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हम देख पा रहे होंगे कि लिंक आधार में क्लिक करने का थोड़ा लोड ले रहा है, और आपके सामने अब एक मैसेज आ गया है जिसमें लिखा है कि आपका आधार और पैन सक्सेसफुली लिंक हो गया है। अब जैसे कि हम देख पा रहे होंगे कि कितना आसान था आधार और पैन को लिंक करना, और क्योंकि अनिवार्य भी है तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सब इसको ज़रूर करें, या आप घर से हो सकता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।